अनस भाई, शैल वी स्टार्ट? हाँ जी, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम इनाया माहू फ्रॉम 19th सेशन, सिविल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, टीम्स ग्राफिक्स, ICE। आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन वर्कशॉप ऑफ सिविल 3D, हेल्ड बाय वन ऑफ द टॉप सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ICE स्टूडेंट चैप्टर, UET Texila, collaborating with Society of Civil Engineering, MUST, Mirpur University of Science and Technology. As a Muslim, we should start our every work with the blessed name of Almighty Allah. For that, I would like to call Mr. Arslan Akbar, Assistant Director of Planning, to recite few verses of Holy Quran. Assalamu alaikum. Am I audible? Did you start again? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. Now I would like to introduce our very talented and skillful civil 3D expert, Mr. Saghir Ahmed. Sir, thanks a lot for your precious time. He's a graduate of Civil Engineering, UET Texila, Batch 17. He is an expert freelancer and had an experience of 3 years in road design on Civil 3D. His main expertise include road alignment, designs, road profiles, typical cross-sections, and earthwork calculations. He is currently been working as a deputy project manager with Zaheer Khan and Brothers on a road project in Sahibad. ICE is providing you with one of the most requiring and important source of learning, the Civil 3D software. This opportunity that is being provided to you is going to be very useful for you today and tomorrow. So you are requested to take advantage of this opportunity as much as you can, because it would be a huge benefit for you in your future. Today, we are going to cover the domains of road alignment, road profile,
typical cross sections and earthwork calculations. Now, I would like to request our worthy expert to please take the floor and proceed further. Over to you, sir. Thank you. Mr. Sagir, are you available? Hello, assalamu alaikum. Yes, sir. Today, aaj hum sikhenge अलाइनमेंट ड्रा करने के बाद एक प्रोसेस आता है प्रोफाइल, देन हम टिपिकल डिजाइन करना सीखेंगे और उसके बाद हम उसकी अर्थवर्क कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना एक ड्राइंग दिखाता हूँ कि रोड की ड्राइंग होती किस तरह की है। मेरी आवाज़ कट तो नहीं रही ना? हेलो, नहीं भाई सही आ रही। हेलो, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। अच्छा, जस्ट दो मिनट रुको, मैं ये भी खत्म कर देता हूँ। अच्छा, मैं ना साथ साथ इंटरनेट का इशू भी फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मैं आपको ना वहाँ की आ रही आवाज़ मेरी अभी से आ रही होगी? हाँ जी, आप क्लियर है आपको? यस, ये हमारा है साहिवाल में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने मैप मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे काम हो रहा है, तो इधर ज़रा फिर उन्होंने थोड़ा क्लोज करके फिर उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट एरिया शो किया हुआ है यहाँ पे। और ये ना इस तरह की ड्राइंग होती है ये, और ये जिस तरह हम सिविल 3D में डिज़ाइन करते हैं ना ड्राइंग, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक्चुअली ये डिज़ाइन ही सिविल 3D में की गई है, तो उन्होंने ये ऊपर से स्नैप लिया गया है। और ये मैं आपको एक आपके नॉलेज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह की ड्राइंग्स हम भी बनाएंगे, हम बना सकते हैं अगर हम। ये एक्चुअल होता है टोपो वर्क, टोपो बोलते हैं। अभी 18 सेशन को तो पता चल ही गया होगा टोपो किसे बोलते हैं, क्योंकि सर्वे कैंप पे कराया जाता है। टोटो स्टेशन के ज़रिए ना पूरे इलाके की कंट्रोलिंग की जाती है, जिससे कंट्रोलिंग होती है कि हर पॉइंट के एक एक पॉइंट की ना हम एलिवेशन नॉर्थिंग ईस्टिंग वगैरह पिक कर लेते हैं, देन हम उनके ना उनसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो जिनसे हमें ना उनकी एक एग्जैक्ट एलिवेशन वगैरह मिल जाती है। तो उसके बाद फिर ये ना जो रोड डिज़ाइन होता है ना प्रॉपरली, तो उन एग्जैक्ट पॉइंट की बेस पे होता है। ये आ गए हमारे टिपिकल क्रॉस सेक्शंस, इन्हें अच्छा जिन्हें हम सिविल 3D में, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, मैं बोल रहा था असम्बली। एक्चुअली असम्बली भी बोल सिविल 3D की जुबान में इसे असम्बली बोलते हैं, और इसको वैसे ये है टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रोड है
इसमें ये 4 फुट का मीडियन है ये वाला, और इसके बाद 22 फुट की लेन है यानी इस पर ट्रैफिक वगैरह चलेगी, और देन कार पार्किंग है, देन ये ट्रेन है, ट्रेन के साथ इसे बोलते हैं कैच पिट, यानी कि यहाँ से जो रोड का पानी आएगा इसमें आएगा, इससे आगे ट्रेन के अंदर चला जाएगा। ट्रेन के ऊपर हम साइकिल लेन बनाएंगे, इधर हम ये बनाएंगे साइड वॉक। साइड वॉक जो होता है ना, इसके नीचे लिखा हुआ है यूटिलिटी कॉरिडोर। यूटिलिटी कॉरिडोर का मतलब है कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई की लाइनें होंगी या दूसरी लाइनें होंगी, क्या कहते हैं, गैस वगैरह की या दूसरी जो भी होगी, या क्रिटिकल केबल्स वगैरह भी होती, सॉरी इंटरनेट की केबल्स वगैरह भी होती है वैसे नीचे, तो वो सारी यूटिलिटी लाइन यूटिलिटी कॉरिडोर के नीचे चली जाती है। वो टिपिकल वगैरह बने हुए हैं, टिपिकल बोल रहे हैं। ये है प्लान एंड प्रोफाइल, ये रोड का प्लान है, ये जो है ना ये लाइन, ये अलाइनमेंट शो कर रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ना बीच में, ये शो कर रही है अलाइनमेंट को, और नीचे है ये प्रोफाइल। ये जो डॉटेड लाइन है ये है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, और ये जो जो सॉलिड लाइन है ये शो कर रहा है प्रपोज ग्राउंड लेवल, यानी कि जो हमारा रोड का लेवल होगा वो ये होगा, एग्जिस्टिंग लेवल ये है। और NSL होता है नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है, ये इधर ये शो कर रहा है कि इस तरफ ये 100, इसे RD बोलते हैं, ये 100 है ना, 100 200 300, RD मतलब रिड्यूस डिस्टेंस, तो रिड्यूस डिस्टेंस 100 की RD पे ये है 5 558.90, ये क्या है, ये NSL है, और इस तरफ है PGL। तो हम कुछ इसी तरह का ही हम भी बनाने की कोशिश करेंगे सिविल 3D में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल तकरीबन हम कुछ इस तरह का ही बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसके आगे अगर किसी ने ड्राइंग देखनी होगी तो मैं ज़रूर दिखा दूँगा और भी। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पर गूगल अर्थ में, ठीक है, गूगल अर्थ, मैंने गूगल अर्थ प्रो इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इधर गया ये रहा, ठीक है, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई क्रैक नहीं करना पड़ता, कोई कुछ नहीं, जस्ट आप डाउनलोड करो और बस काम स्टार्ट कर दो। फिर आपने अभी यहाँ से ना देखना है कि आपके एरिया कौन सा है। अब सपोज मैं वाला से, तो मैं यहाँ से कभी वाला में से कोई एक एरिया ढूंढ लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं ना अपना रोड बनाने की कोशिश करूँ। चलिए मैं यहाँ से ना कोई एरिया पिक कर रहा हूँ, ये एरिया पिक कर रहा हूँ, इसलिए इस जगह का थोड़ा सा, अच्छा ज़्यादा बड़ा एरिया पिक नहीं करना, क्योंकि हमारे लैपटॉप इस काबिल नहीं होते कि वो बड़े बड़े रोड डिज़ाइन करें, तो कोशिश करनी है बस 1-2 किलोमीटर तक महदूद हो, तो अदरवाइज आपको मसला आएगा, मतलब हमें भी आया था, हमारे बाद वालों को भी आया था, तो आपको मशवरा यही है कि आप महदूद से एरिया सेलेक्ट करें जिसमें आपका लैपटॉप घुसना ना पड़े, क्योंकि हर बंदे के पास अच्छा लैपटॉप नहीं होता यूनिवर्सिटी में। तो ये है में लाइन की, ये जो लाइन है ये बार वाली लाइन है, उसका कलर क्या होगा ये कोई इतना वैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ तो आप भी देख लो। तो ये मार्क कर रहा है कि मेरा रोड कहाँ पे बनेगा यहाँ पे ना। तो अभी इसके बाद मैं इसको इस फाइल की मैं कर लूँगा, इसको सेव प्लेस एज, इसको सेव कर लूँगा मैं, सेव कहाँ किया जाए, मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ इसको, और इसको मैं बोल रहा हूँ चेक एरिया का नाम दे रहा हूँ, तो ये मेरी फाइल सेव हो गई, ठीक है, इसको एज KML फाइल सेव करते हैं, तो मेरे ख्याल में मेरी कौन सी सेव, सॉरी KMZ या KML, इसका फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चल जाती हैं, ठीक है, तो ये मेरी KMZ फाइल सेव हो गई है। इसके बाद मैंने जाना है ग्लोबल मैपर में। अच्छा ग्लोबल मैपर भी आपको, तो अगर किसी को कोई लड़के हैं जिनको नहीं मिल रहा होता आगे, हमें मिल नहीं रहा, काफ़ी बंदे मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं बाद में, तो ये कोई इतना बड़े मसले की बात नहीं है। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढना हो, मोस्टली मतलब कुछ भी, कोई भी सॉफ्ट
फिर आपने ढूंढने हैं तो आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ जिस तरह ये है ग्लोबल मैपर, ग्लोबल ये लिख के आगे आपने लिख देना है गेट इनटू पीसी। ये मेरा मे बी इंटरनेट काफ़ी स्लो है, चल गया। तो ये देखें नीचे जाके आपको डाउनलोड सेटअप ऑप्शन मिल रहा है, साथ ये एक्चुअली ये मिलती है मिरर की फाइल, जिप फाइल। तो जिप फाइल का ये होता है कि फिर इसका पासवर्ड है, पासवर्ड ये है, इसके अंदर क्रैक वगैरह सब, अगर किसी को फिर भी क्रैक करना ना है तो यहाँ पे ये वीडियोस भी देते हैं कि ये क्रैक किस तरह होगा, ये पूरी एक वीडियो में समझा, पूरी वीडियो में समझाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो अभी जब ओपन कर लेंगे, क्रैक वगैरह कर लेंगे, तो यहाँ पे ओपन फाइल, यहाँ पे अभी हमने जो जस्ट एक मिनट, तो ये जो मैंने वहाँ पे फाइल सेलेक्ट की थी वो मेरी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद मैंने टूल्स में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाना है। तो यहाँ से मुझे जाना था, सॉरी यहाँ से मुझे जाना है प्रोजेक्शन, जस्ट अ मिनट, हाँ प्रोजेक्शन में जाना है ये ऑलरेडी, क्योंकि मैंने पहले भी ये प्रोसेस सारा फॉलो किया हुआ है, तो इसलिए दोबारा तो वहीं पे जा रहा है, कहीं और नहीं लेके जा रहा। तो मुझे यहाँ से UTM सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं मैं मीटर्स में काम करूंगा तो ये मीटर्स है, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। देन मैंने जाना है डाउनलोड, अभी मैं जस्ट इसको कनेक्ट करूंगा। ये इसने डाटा पिक कर लिया, ये पीछे से ना ये प्रॉपर एक डाटा ले लिया इसने कि कौन सी जगह अप है, कौन सी जगह डाउन है। ठीक है, आपको हर किसी को ही पता है कि जगह का लेवल सेम नहीं होता, कोई जगह अप होती है, कोई जगह डाउन होती है। तो इसने ना एक ड्रा करके दिखा दिया हमारे एरिया के अंदर जो है वो एरिया ये पिक कर देगा। तो अभी हम इस फाइल को हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ एक्सपोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट सॉरी, हाँ ठीक है, आपने करना है एक्सपोर्ट एलिवेशन ग्रिड फॉर्मेट, तो DEM फाइल, DEM का मतलब होता है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो DEM फाइल हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ओके करके अब हमने इसको कहाँ रखना है, जहाँ रखना चाहते होंगे हम वहाँ रख लेते हैं, इधर रखना है हमने। तो अब हम ये हमारे पास ना जिस तरह कहते हैं ना, जिस तरह मैं बोल रहा था कि आप कंटूर बनाओगे फोटो स्टेशन के ज़रिए, आप पॉइंट्स पिक करोगे टोटल स्टेशन जैसे जो पॉइंट्स को वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गलती के चांस होते हैं। गलती के चांस इस तरह होते हैं कि गूगल जो होता है ना वो तकरीबन 5 मीटर तक ना सेम वैल्यू रखता है एलिवेशन, तो एक्चुअल में नहीं होती इतनी 5 मीटर तक सेम, तो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको, या मैं बोले जा रहा हूँ? जी भैया आ रही है। अच्छा कट तो नहीं रही ना, थोड़ी सी लैग आ रही है। अच्छा जस्ट मैं ना एक मेरा ना थोड़ा सा मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड था, लेकिन ये वाईफाई मरा थोड़ा स्लो हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ पैकेट लगा लूँ। जस्ट 2 मिनट रुको, मैं ना
ना इंटरनेट पर होते हैं, वहाँ से उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। और यार सुनाओ, यूडी का मौसम कैसा है? मतलब मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी तो 18 सेशन के आगे दिन चल रहे होंगे। हेलो, मौसम तो सही है। अच्छा जी, अभी इंशाल्लाह मसला नहीं आ रही। अभी सही आ रही है आवाज़? जी भाई सही आ रही है। इंशाल्लाह बेहतर तो ही होगी। चले, अभी मैंने ना टीम फाइल सेव कर ली है, तो अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। अच्छा, सिविल 3D को ना मोस्टली ना फील्ड में, यानी कि या तो डिज़ाइनर यूज़ करेगा, डिज़ाइनर बैठा है, जो डिज़ाइनर मोस्टली हेड ऑफिस बैठे होते हैं, या वो यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। अब हम जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो फील्ड में बंदा बैठा है वो कहाँ यूज़ कर सकता है, वो ना अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर सकता है उस पर। क्योंकि अर्थवर्क की कैलकुलेशन एक होती है मैनुअली, मतलब वो भी ऑटोकैड पे होती हैं, लेकिन वो क्रॉस सेक्शन बनाए जाते हैं ऑटोकैड, तो इतने आसान नहीं होते, मतलब वो इतनी जल्दी नहीं बन जाते कोई, मतलब 2-3 घंटे में आप नहीं बना सकते, आपको टाइम लगता है तकरीबन। मतलब यहाँ पे होता है साइड पे ना एक QS होता है, क्वांटिटी सर्वे, तो वो बना रहा होता है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, ये आसान नहीं होता। मतलब लेकिन जब आप सिविल 3D में करते हो, तो सिविल 3D में ये चीज़ें 2 घंटों में, आप बेशक आपका 5 किलोमीटर का रोड है, 10 किलोमीटर का, अगर आपके पास एक्सेल में डाटा एंटर्ड पड़ा है, देन आप 10 घंटे नहीं लगेंगे आपको, या 20 घंटे नहीं लगेंगे, आप 2 घंटे भी मैक्सिमम नहीं लगाओगे, 2 घंटों में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने ना, जब हमारे रोड की कैलकुलेशन थी, तो या टोल वगैरह की कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मैंने भी करीब करीब किसी बदल दी, लेकिन यहाँ मसला एक आया कि अब जिस यहाँ पे ना, जब हम कैलकुलेशन वगैरह करके जाते हैं, तो कैलकुलेशन वेरीफाई होती है। वेरीफाई कौन करता है? जो जिन यानी कि कंसल्टेंट वाले। अब कंसल्टेंट वाले को सिविल 3D का नहीं आता था, पता ही नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि यार वो मैनुअल तरीके से बना के लाओ, तभी हम करेंगे, तो फिर हमारे मैनुअली बनाने पड़े। अदरवाइज़ ये मेरे वाली जो वैल्यूज़ जो मैंने निकाल के दी थी, ये 100% एक्यूरेट थी, यानी कि जो डाटा था उसके मुताबिक वो 100% एक्यूरेट थी। लेकिन अब जिस तरह के पुराने लोग बैठे हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है काम नहीं करने देते ना, और वो फिर अपने पुराने तरीकों से ही जाते हैं। चले, अच्छा एक होता है डिजिटल, ये होता है वो जो मैंने पहले की थी ना, वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल था,
अब यह डिजिटल ग्रिड मॉडल, यहाँ पे क्रिएट सर्विस फ्रॉम डिजिटल ग्रिड, एक्चुअली ये दोनों चीज़ें सेम ही है, डिजिटल एलिवेशन और ग्रिड मॉडल एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो तकरीबन ये कौन कौन सी फाइलें इंपोर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं DEM ESRI ARC GRID और ये सारी फाइलें यहाँ से ना हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल ग्रिड मॉडल पे जाएंगे हम, अभी जो मैंने बनाई थी, कहाँ बनाई थी, ये डाउनलोड वाले फोल्डर में, ये भी अच्छा इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कहाँ गायब हो गई, कहाँ आई, तो ये वाला मसला भी आता है, बंदे का बंदे ढूंढते रह जाते हैं। तो ये होता है जूम एक्सटेंड, यहाँ क्लिक करो आपको वो लेके आ गया वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपनी रोड रोड डिज़ाइन करनी है, रोड की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है, अलाइनमेंट हमारा रोड टॉप से कैसा नज़र आ रहा है, आई मीन ऊपर से जो रोड हमारा नज़र आएगा, ऊपर से जो लाइन है वो हमारी होगी अलाइनमेंट। तो मैं एक अलाइनमेंट ड्रा करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अगर किसी का दिल करे वेला टाइम है तो इनको सबको एक्सप्लोर कर ले। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से भी अलाइनमेंट बन जाती है, आई मीन कोई लाइन वैसे कोई पोली लाइन लगी हो या दो तीन लाइनें लगी हो, उनको मतलब तीनों को क्लिक करके वो एक लाइन, वो एक क्या कहते हैं एक अलाइनमेंट बना देती है, तो उनसे भी बन जाती है। नहीं तो हम एक अलग अपनी अलग से अलाइनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट क्रिएशन टूल पे जाऊंगा मैं, तो अलाइनमेंट का नाम कर देता हूँ अलाइनमेंट, चलिए रोड वन बोल देते हैं, अलाइनमेंट रोड वन, ठीक है। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है, ये डिज़ाइन स्पीड, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये सुपर एलिवेशन के लिए होता है, यहाँ से भी दे सकते हैं हम और दूसरी वहाँ से भी दीजिए, वो एक और ऑप्शन भी है मैं आपको बताऊँगा, वहाँ से भी दी जा सकती है। बल्कि लास्ट टाइम मैंने वहाँ से बताया था, इस बार मैं तुम्हें यहाँ से बता देता हूँ, ये आसान है, ठीक है। तो यहाँ से हम एस्ट्रो का क्राइटेरिया यूज़ कर देते हैं, 2% वाला, सॉरी यहाँ से 4% है, लेकिन यहाँ पे हम 2% भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ से 4% वाला यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इसको मोस्टली वैसे हम 2 ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अब 4 लिखा हुआ आ रहा है तो मैं उसी के साथ ही चला जा रहा हूँ, लेकिन प्रेफर 2 को किया जाता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो इसलिए बाद में कोई भी इबहाम ना रहे। अच्छा तो अब 2 ऑप्शन हैं, अब हम स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं जाएंगे हमारी, क्योंकि अलाइनमेंट स्ट्रेट स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी सीधी लाइन, एक लाइन इस तरह फिर एक लाइन इस तरह, ऐसा रोड तो नहीं होता ना कि एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है फिर अचानक से इस तरह टर्न आ जाए, नहीं, रोड होता है इस तरह जाता है फिर कर्व आती है फिर इस तरह नीचे आएगा। तो हम स्ट्रेट स्ट्रेट विद कर्व कर देंगे, इस तरह होता है ना टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट के दरमियान कर्व। तो मैं रोड को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, पहले मेरा रोड यहाँ गया फिर मेरा रोड। अच्छा ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व आ रही है, ये कर्व का रेडियस भी हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से ना, कर्व रेडियस, ये देखिए कर्व का रेडियस 200 मीटर्स, मैं यहाँ पे इसको 400 कर देता हूँ इसको। तो अभी मैं दोबारा जाऊँगा इधर टेंजेंट टेंजेंट कर्व्स पे और मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा वो यहाँ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा 400 रेडियस वाली कर्व है, तो ये मैं यहाँ जाऊँगा, अभी मैं थोड़ा कर्व का रेडियस दोबारा 200 पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 200 पे ले आऊँगा और ड्रा स्ट्रेट स्ट्रेट विद कर्व्स पे जाके अगेन, मेरा रोड फर्स्ट करे यहाँ ख़त्म हो गया। तो मैं स्पेस का बटन दबाऊँगा, ये मेरा रोड बन गया तकरीबन, ये मेरी रोड की अलाइनमेंट इस तरह की है कुछ। तो ये तकरीबन है अराउंड 6 किलोमीटर्स का बन गया, जो कि मे बी मेरे लैपटॉप में मैंने काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है तो मे बी इतना ज़्यादा मसला नहीं करेगा, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि 6 किलोमीटर ना ही जाए, 6 किलोमीटर 2 से 1-2 किलोमीटर बस, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, फिर काम स्मूथ होता रहेगा, ठीक है। तो अब हमने अलाइनमेंट ड्रा कर, अब प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल
मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल क्या होती है। प्रोफाइल ये है, हाँ ये नजर आ रही है ना जो आपको, ये प्लान है, ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्या है, ये शो कर रही है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल कहाँ पर, जहाँ से ये मेरी लाइन गुजर रही है ना, इस पे हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद, यानी कि यहाँ पे 20 का फर्क आ रहा है ना, आई मीन 20 के, हर 20 के बाद स्टेशन मार्क किया हुआ है, तो हर 20 के बाद लेवल कितना आ रहा है ये वहाँ पे मेरी आपको ये बताएगी, ये बता रही है इसका लेवल बताइए। 100 के बाद शो कर रहा है, तो 2700 2800 2900 यहाँ पे ये लेवल शो कर रहा है। ये PGL होता है प्रपोज ग्राउंड, NSL नेशनल सर्विस लेवल, तो ये शो कर रहा है। तो अभी हम जाएंगे उधर, अभी हम प्रोफाइल ड्रा करने की तरफ जा रहे हैं। तो पहले तो हम सरफेस की प्रोफाइल, यानी कि जहाँ पे हमारी लाइन पास करी है वहाँ पे सरफेस कैसी है, उसकी प्रोफाइल ड्रा करेंगे। तो ड्रा प्रोफाइल पे जाएंगे, कोई ख़ास चेंज नहीं करनी, बाद में अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जाऊँगा प्रोफाइल, अब हम जाएंगे हमारा रोड। अब देखे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोड अचानक से ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता। तो रोड कैसा होता है, रोड एक स्मूथ होता है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा होता तो बड़ा स्मूथ सा जा रहा होता है, ऐसा ही होता है कि बिल्कुल बस कभी अचानक से ऊपर आ गया कभी, ये तो फिर गिर से रोड नहीं बोलते, वो ऐसे समझ लें कि कच्ची सड़क होती है मोस्टली, कच्ची सड़क भी इससे अच्छी होती है अगर इस तरह नहीं होता। तो अभी हम प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल क्रिएशन टूल। अब हम यहाँ पे ना इस किसी भी लाइन के ऊपर रख के क्लिक करेंगे ना ये, तो प्रोफाइल, अब हम इसको दे देते हैं डिज़ाइन प्रोफाइल, ठीक है, और ओके कर देते हैं। ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं मैंने, मुझे मतलब जहाँ पे अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो जस्ट प्रोफाइल ही फिर डिस्कस होगी, तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी है जो थोड़ी बहुत मतलब काम की हैं, बाकी जिनके बगैर आपका तो गुजारा कुछ हो सकता है, तो उनको मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने भी इग्नोर करना है, आपके पास टाइम हो तो आपने लाजमी इन चीज़ों के साथ टच में रहना, नहीं तो चीज़ें फिर भूल जाती हैं। ये बड़ा बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बड़े काम आएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है, सीखी चीज़ें सीखें। तो अभी मैं ना यहाँ से प्रोफाइल कुछ इस तरह ड्रा कर रहा हूँ कि मेरे ना कट और फिल तकरीबन बैलेंस्ड रहे, आई मीन जितना कट हो उतना फिल आ जाए, ताकि मुझे बाहर से कुछ ले, आई मीन बाहर से मुझे कट फिल करने के लिए कोई मटेरियल ना लाना पड़े, और ना ही कट करके ज़्यादा बाहर भेजना पड़े, तो इन चीज़ों को ना मिनिमम रखा जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मिनिमम रखने की, उसके बाद भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सही जो हमने कर दिया सो कर दिया, लेकिन हम मैं कोशिश करूँगा कि अभी इंशाल्लाह कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अच्छा, ये हमारी वर्टिकल कर्व्स की डिटेल आ रही है, यानी कि इस पॉइंट का एक हाई पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली PVI है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और सॉरी, हाई पॉइंट में मतलब होता है कर्व का हाईएस्ट पॉइंट, तो वो उसके उसकी RD ये है, RD मतलब रिड्यूस लेवल ये है, और बाकी हाइट ऑफ PV जो PVI होता है ना, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन है, तो उसकी हाइट, उसकी भी हाइट ये हाई पॉइंट की हाइट ये है, फिर ये PVI की हाइट है, फिर ये PVI का स्टेशन है, और ये लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है। अच्छा, ये लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व भी चेंज कर सकते थे वैसे, मैं अभी बस ना वो
बताना भूल गया, वैसे ही वहीं से ही होती है, वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, तो ये भी कोई आप मसला नहीं होगा आपके लिए, मतलब आप चाहोगे तो वही ऑप्शन आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरह ये मैंने इसका सिखाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको बोल के निकाल के भी दिखा देता हूँ। जस्ट मैं ऐसे ही इसको लेके चलता हूँ, ड्रा कुछ नहीं करता। ये देखे ना कर्व सेटिंग, ये कर्व लेंथ, कर्व लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा तो अभी ये मैंने कर दिया। अच्छा एक और भी है, देखे ना ये फाइल थोड़ी सी ना, अगर एक कोई बंदा पाँच दफ़ा बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लेता है तो उसके लिए ना इसको कंप्यूटर पे लोड करना ना, इसको लोड करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसको अगर आपने थोड़ी देर के लिए अगर वाइप करना है तो सरफेस प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ से नो डिस्प्ले कर दो और अप्लाई कर दो और ओके कर दो। ये अच्छा हॉरिजॉन्टल कर्व्स में जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इसे बोलते हैं पीआई, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पीसी और इसको बोलते हैं पीटी। ये ना अब पीटी अगर आपको समझ आ रही होगी, नहीं तो मैं थोड़ा इसको इधर मूव कर देता हूँ। पीटी है, ठीक है। अगर आपको मतलब अंदर ये थोड़ा बाज़ दफ़ा ना, हाँ आपको एक अच्छी यहाँ पे ना एक और बात बताता हूँ, बाज़ दफ़ा आपको मसला आ जाता है कि ये ना सारी खचमच सी हो जाती है, एक फाइलें ये पॉइंट्स आई मीन ये वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो अब फिर मसला बन जाता है ना ये। तो इसकी हल करने के लिए यहाँ से आप स्केल एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए मैंने स्केल एडजस्ट किया है, वो हो तो छोटी छोटी गई हैं, लेकिन अब जूम कर दें तो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही, समझ आ रही हैं चीज़ें, तो भी मसला नहीं पाने। लेकिन यहाँ से जो जो स्केल बढ़ाते जाएंगे फिर आपके लिए इश्यूज बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे अब ओवरलैप होने शुरू हो जाएंगे, अगर थोड़ा और स्केल बढ़ा करेंगे तो। ये आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कोई ये मसले की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम चलते हैं जी, सॉरी चले, अभी हम ड्रा करते हैं असेंबली। तो अब हम क्रिएट असेंबली में जाएंगे। असेंबली किसे बोलते हैं? टिपिकल ड्रा सेक्शन को, एक्स सेक्शन भी बोल सकते हैं, टिपिकल क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, इट इज अप टू यू, आप जो मर्जी बोलना चाहें। तो ये हमारी आ गई असेंबली। अब हम इसको इसमें साथ लेंस ऐड करेंगे। लेंस ऐड करने का तरीका क्या है जी? हम लोग जाएंगे यहाँ पर, सॉरी इसको मैं थोड़ा यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक लेन है। अब हम लेंस की भी एडिट कर सकते हैं, लेंस की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो अगर हम चाहें तो ये भी एडिट कर सकते हैं। वैसे 3.6 मीटर्स नहीं होती ये, तकरीबन होती है 12 फुट के करीब होती है, तो 12 फुट के तकरीबन, हाँ तकरीबन ये, लेकिन 3.6, हाँ ठीक है ये 3.6 मीटर्स इज ओके, तो ये अराउंड 12 फीट की बात है तकरीबन, थोड़ा सा ज़्यादा बनता है ये। तो ये बन रही है, एक और 3.6 मीटर्स की मैंने यहाँ पे लगा दी। और इसके बाद हम चाहें तो शोल्डर भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉरी हम ये वाली लेंस यूज़ करते हैं, इसके अंदर डिवीजन हैं, आपको प्रॉपरली समझ आएगी ये वाली। अगर आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, काम किया होगा, तो आई मीन आपने अभी
ये ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ा होगा ना कोर्स, तो इसमें आपने ये देखा होगा कि क्या, अगर आप ये आपने हो सकता है ना पढ़ा हो वो वाला जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें हम ना ये करते होते थे, हम ये डिसाइड करते थे थिकनेस ऑफ पेमेंट कि पेमेंट कौन कितनी थिक रहेगी। तो ये एक प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको आप अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो आप सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अभी तकरीबन वो आते हैं यूईटी में, तो आते हैं तकरीबन 7वें सेमेस्टर में, आई थिंक 6th या 7th में आते हैं। तो वो वहाँ पे आप ना इनकी ये थिकनेस डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे आप पे 1, पे 2, पे 1 ये है सबसे ऊपर वाली, पे 1 है, फिर पे 2 है, फिर बेस है, फिर सब बेस है, ठीक है। तो वैसे सब पे मोस्टली जो पे हो सब बेस होती है, सब बेस एक मटेरियल होता है, जनरल मटेरियल होता है, तो उसे हम सब बेस बोलते हैं। फिर जो बेस है वो हम मोस्टली वहाँ पे होती है वाटर बाउंड मटेरियल वाला, वाटर बाउंड वाला मटेरियल होता है, उसे हम सब बेस बोलते हैं। और सब बेस के बाद हमारी लिए आ जाती है पे 2 और पे 1, इधर हम असफाल्टिक वेयरिंग कोर्स और बेस कोर्स मेरा डालते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली असफाल्ट की लेयर होती है तो, और नीचे वाटर बॉन्ड और सब बेस होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक साथ शोल्डर ऐड करते हैं। तो मैं शोल्डर ऐड करने के लिए मैं दोबारा इधर सेलेक्ट करूँ, किसी टूल पैलेट्स में जाऊँगा, तो शोल्डर में जाके मैं ये वाला शोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक्चुअली ये इसी के साथ ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, तो इसलिए मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पे 1, पे 2, बेस और सब बेस वाला ही है। तो अगर आप यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल यही लेके चलना है, आप आपकी टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऐसा भी ज़रूरी नहीं, हर जगह ही ऐसा होगा, डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट का हाल ये है कि आप लोगों ने एक ऑप्शन होता है ड्रा टिपिकल फ्रॉम पॉली लाइन, ठीक है, सॉरी ना ड्रा ड्रा सब असेंबली फ्रॉम पॉली लाइन। तो आपने ये जो सब असेंबलीज है ना ये पॉली लाइन से ड्रा करना सीखनी है। तो एक्चुअली इस पे भी मैं 2 घंटे लगा सकता हूँ आपको समझाने समझाने में, तो फिर प्रॉपर हो नहीं सकता ना, पूरा नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक बेसिक्स आपको समझा दूँ। तो बाकी सीधी बात यह है कि आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, और प्रैक्टिस ही सीखेंगे, वैसे सीधी बात यही है कि प्रैक्टिस ही करनी चाहिए आपको। और यूट्यूब है, यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है, आप लेक्चर्स देखें। एक है इंजीनियर वसीम राजा, उसके लेक्चर्स हैं, मैंने उसी से स्टार्ट किया था, तो आप उससे सीखें तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। डे लाइट मैं स्टैंडर्ड वाली लगाता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड वाली डे लाइट लगा दी मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशनर लगाना है, कंडीशनर होता है कि ये कट फिल को शो करने के लिए, भी कट है फिल है ये प्रॉपर उसे डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैं कंडीशनर, अब ये कट के लिए था, यहाँ पे मैं अब इसको फिल कर देता हूँ। अभी दोबारा मैं कंडीशनर लगाता हूँ, ये फिल के लिए लग गया। अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी मिरर कर देता हूँ। मिरर किसके, यहाँ से लो जी, इधर जितना जिस तरह का रोड मैंने इधर को बनाया वैसा ऑलरेडी वैसा ही बन गया इस तरफ को। मिरर को मारना किसी को पता है, अगर ऑटो गाइड यूज़ करनी आती है, वैसे मुझे पता है कि एक्चुअली हम भी इस फेस से गुजरे हैं, तो कई ऐसे भी मेरे दोस्त होंगे जिनको नहीं पता होगा मिरर का, मिरर कमाने का भी नहीं पता होगा, लेकिन यार फील्ड में बहुत काम आती है ये चीज़ें, सीख ली, अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलता जितना। चले तो अभी हम ड्रा करते हैं रोड, कॉरिडोर। कॉरिडोर पे गया मैं, कॉरिडोर पे जाने के बाद मैंने कॉरिडोर रोड 1 बोल देते हैं इसको, चलो ठीक है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जो मेरी थी अलाइनमेंट 1 वही थी। फिर डिज़ाइन यहाँ पे, अब हमारे पास ना, अच्छा ये लेआउट 1 जो आ रहा है ना, ये मैंने जब दोबारा आपको समझाने के लिए ओपन किया था, ये वहाँ से आ रहा है, लेकिन आपने इस पे जाना है, ये डिलीट भी हो जाता है, लेकिन मैं अभी रोड भी करके दिखा दूंगा। लेकिन ये हमारी जो डिज़ाइन प्रोफाइल रोड 1 थी इसको सिलेक्ट करें,
ये होगी असेंबली, मैंने ये टिपिकल एक्स सेक्शन के नाम से बनाई थी। टारगेट टारगेट हमारी ये नीचे वाली जो भी, जो नीचे वाला मतलब ये जो नीचे वाली फाइल थी हमारी, जो जो हमारी कंट्रोल को कंट्रोल्स को शो कर दी, जो अभी हमने हाइड कर दिए ताकि लोड ना पड़े। और मैं ओके कर दूंगा, अप्लाई करूंगा, रीबिल्ड। अभी ये मेरा यहाँ से देखें ये ना बिल्ड होना शुरू हो गया। शुरू शुरू में जब मैं नया नया कर रहा था तो अरे मतलब फर्स्ट टाइम था हमारा, हमें पता नहीं था इतना ज़्यादा। तो हम लोग सर को बोलते हैं सर जी मैं 10 किलोमीटर का बनाऊंगा, मैं 20 का बनाऊंगा, 50 का बनाऊंगा रोड। लेकिन जिस तरह होता है ना कई थीटे होते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना कोई मतलब सर की नज़रों में ना वो आने के लिए सर जी मैं आपको ये करके दूंगा, मैं वो करके दूंगा। तो लेकिन बातें तो सबसे बड़ी बड़ी की, लेकिन जब वक्त आया तो मसला बन गया, क्योंकि लैपटॉप हमारे अच्छे नहीं थे, इतना टाइम लग, फिर वो रुक जाते थे। अब इतनी देर में ये अभी टिपिकल सॉरी ये जो बन गया है ना, ये कॉरिडोर बन गया। तो पांच दफ़ा मैंने इस पर आधा आधा घंटा भी बैठा रहा हूँ यार, अभी बनेगा अभी बनेगा बनेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। तो मैंने तो काफ़ी मतलब इतनी अपने एक्सपीरियंस से काम कर करके सीखा है कि बस आप, अगर आपका लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है तो फिर आप 1-2 किलोमीटर पर महदूद रहो। दोबारा दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से भी मेरे जैसे कुछ होंगे जो कोशिश करेंगे कि यार मैं 5-10 किलोमीटर बना के ले गया। अच्छा कॉरिडोर बन गया, अभी मैं सेलेक्ट करूँगा कॉरिडोर को, यहाँ से मैं जाऊँगा कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में। दो ऑप्शन हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं कॉरिडोर प्रॉपर्टीज, ये कॉरिडोर है ये प्रॉपर्टीज में चले गए, एक ही बात पैरामीटर्स में गया सॉरी। अच्छा यहाँ से ना हम बाज़ दफ़ा ना, अच्छा मैं आपको ना एक और चीज़ भी सिखाता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा रोड ना, रोड की विड्थ कहीं पे ना थोड़ी सी बढ़ानी बढ़ानी होती है। तो अब विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, तो विड्थ बढ़ाने के लिए मैं आपको एक सिखा रहा हूँ। ये जस्ट थोड़े से, पहले मैंने कभी नहीं सिखाया, तो अभी मैं आपको ना एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सा एक स्टेप सिखाने लगा हूँ। इसको अरेंज डिस्प्ले ऑर्डर सेंड बैक कर देता हूँ। अभी ये मेरी अलाइनमेंट यहाँ से इजीली सेलेक्ट हो सकती है, पहले सेलेक्ट नहीं हो सकती थी। तो मैं होम पे गया, मैंने अलाइनमेंट अलाइनमेंट क्रिएशन सॉरी क्रिएट ऑफसेट ऑफ अलाइनमेंट ऑफसेट। तो इस अलाइनमेंट का मैंने ऑफसेट बनाना है, और कितने मीटर्स पे बनाना है, मैंने 3.6 मीटर्स की लेन रखी हुई है, तो 3.6 इधर भी मैं 3.6 ही रख देता हूँ। दोनों साइडों पे देखें, एक लेफ्ट पे है एक राइट पे, कितने कितने बनाने हैं ये शो कर रहा है। तो मैं ओके कर दिया, तो अभी इसने ऑफसेट बना दिया ये वाले ब्लू कलर में आई थी सॉरी ये वाले। सॉरी ऑफसेट्स 3.6 पे नहीं बनाने थे हमें, हमें बनाने थे क्योंकि दो दो लेंस मैंने डाली हैं, 3.6 क्रॉस 3.6 हो ये हो जाएगा 7.2 पे रख के बना रहे थे मैंने। मैंने थोड़ा आपने भी इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करना है। तो 7.2 एंड 7.2 और ओके कर देना है। अभी ये ऑफसेट 7.2 पे लग गए। अच्छा अभी मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरी कर्व है ना, ये वाली कर्व यहाँ पे ना थोड़ी सी विड्थ बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एड वाइडनिंग पे जाऊँगा। अच्छा क्रिएट वाइडनिंग एज न्यू अलाइनमेंट, नो इसी अलाइनमेंट से वाइडनिंग स्टार्ट करें। अब वो स्टार्ट स्टेशन पूछ रहा है, सॉरी ये मेरा लैपटॉप थोड़ा रुक रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे आगे ना ये जो मैं एक्चुअली इसको ना दोबारा यहाँ से ना हम वैल्यूज को याद कर लेते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ 4800 से कर लेता हूँ, 4800 से लेकर यहाँ तक कौन सी बन रहा है 5300 तक कर लेते हैं। ये जो 500 मीटर होगा ना, इसके अंदर हमारा रोड थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। मोटरवेज पे भी आपने देखा होगा कहीं पे आगे थोड़ा सा रोड वाइड वाइड हो जाता है,
लेकिन वही हम इंशाल्लाह थोड़े से आप आपको अवॉइड करके दिखाता हूँ। तो एड वाइडनिंग नो, मैंने स्टार्ट स्टेशन है मेरा 5500, यहाँ पे मैं स्टार्ट चेंज एंटर करूँगा, 5500 एंटर कर दिए, ओके। सॉरी मुझे 4800 ऐड करनी है, नो 4800 एंड 5300, ओके। अब वो कह रहा है कि वाइडनिंग का ऑफसेट कितना होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में वो 7 फुट है, तो 7 फुट से बढ़कर वो वहाँ पे सही 7 मीटर है, 7.2 मीटर है, तो ये 10 मीटर तक चला जाए, या कह लें कि एक लेन और ऐड करते हैं हम, तो 3.6 x 3 करके देखते हैं कितना बनता है, 3.6 x 3 ये 10.8 बनता है, तो 10.8 कर देता हूँ मैं, ओके हो गया। अब यहाँ पे ना ये कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ये सारी वैल्यू शो कर देता है किसकी कौन क्या है ये। अच्छा अब ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टेपर लेंथ 25 है तो मैं इसको 50 कर देता हूँ, देखो बड़ा स्मूथ हो गया थोड़ा सा ना। अच्छा यहाँ पे कर्व, ये जो कर्व है ना यहाँ पे कर्व्स बनती हैं, सॉरी यहाँ पे ना यहाँ पे कर्व्स बन गई हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कर्व दे, तो कर्व का ये ना रेडियस वगैरह शो कर रहा, तो एंड पे भी ये इसी तरह का है, यहाँ पर भी यहाँ पे ये टेप, इसको 50 टेपर बोलते हैं वैसे इसे, तो 50 कर दिया मैंने और बाकी इसको सेम रहने दिया और मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो अभी ना मेरा रोड, लेकिन अभी देखें अभी मेरा उतना वाइड हुआ नहीं है, लेकिन मेरा ये जो कर्व ये जो है ना ऑफसेट ये थोड़ा बाहर निकल गया यहाँ पर। अभी इसको हम उस लेवल तक पहुँचाएँगे कैसे कि ये उस फॉलो करे उसको ऑफसेट को, तो पैरामीटर्स में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे टारगेट्स में, टारगेट्स में जाने के बाद हम जाएंगे विड्थ टारगेट में, तो विड्थ टारगेट में किसकी विड्थ टारगेट, राइट साइड विड्थ टारगेट, इसका मैं विड्थ टारगेट असाइन कर देता हूँ राइट वाला ऑफसेट एंड ओके ओके अप्लाई रीबिल्ड कॉरिडोर, ओके। अब आपको इतना ज़्यादा तो पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि देखें ये सेंटर लाइन है, ये हमारा रोड है, ये सेंटर लाइन रही, अब इस तरफ को थोड़ा ज़्यादा है तकरीबन, ये जो एक यहाँ पे ना ये जो एक लेन यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन ये देखें ना यहाँ से ये लेन ज़्यादा बड़ी है थोड़ी, ये देखें यहाँ पे ये लेन छोटी सी नज़र आ रही है, ये यहाँ से यहाँ था, लेकिन यहाँ पे ये लेन बड़ी हो गई है थोड़ी, तो एक्चुअली समझ लगे एक लेन न्यू लेन ही ऐड हो गई रोड की, रोड यहाँ पर कर्व पे थोड़ा ज़्यादा वाइड हो गई। तो अभी हम आगे मूव करते हैं, हमारा कॉरिडोर बन चुका है, तो कॉरिडोर बन, अभी हम कॉरिडोर में जाए दोबारा कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम सरफेस में, सरफेस में जाने के बाद हम करेंगे ऐड न्यू सरफेस, यहाँ पे हम इस सरफेस का नाम दे देते हैं कर देते हैं इसको कर देते हैं टॉप, सॉरी कॉरिडोर सरफेस, ठीक है। अच्छा ये हम सरफेस किस लिए बना रहे हैं मैं बताऊँ, ये सरफेस हम ना ये जो रोड स्ट्रक्चर है इसके बॉटम को शो करने के लिए, क्योंकि बॉटम को शो करने के लिए कैसे कि रोड स्ट्रक्चर के बॉटम तक हमें पहुँचने के लिए कितना कट करना पड़ेगा या कितना फिल करना पड़ेगा हमें, अगर वो बॉटम तक हमारे पास बॉटम अप पड़े हैं रोड का डिज़ाइन बॉटम नीचे है ज़मीन अप पड़ी है, तो हम क्या करेंगे वहाँ से सॉइल को एक्सकवेट करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, तो हम इसको बॉटम लिंक डिज़ाइन डिफाइन ऐड कर रहे हैं, और
या सॉरी इसको मैं टॉप नहीं आना, यहाँ पर यहाँ पे आना है डेटम और ऐड कर दिया है मैंने। बाउंड्रीज में जाऊँगा, बाउंड्रीज ऐड ऑटोमेटिकली, डे लाइट पिल कॉरिडोर ओके। अच्छा अब हमारा ना एक ये भी सरफेस बनी गई है, ठीक है, यहाँ पे ना इसके अराउंड भी एक सरफेस बनी गई है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने एक सरफेस इसके क्रिएट कर ली है, तो अभी आपको सरफेस में जाके मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, एक कॉरिडोर सरफेस, एक सर्फिस, ये हमारे पास डी ई एम सर्फिस, वो जो हमने डी ई एम फाइल लेके आए थे ये ग्लोबल मैपर से, उससे एक सर्फिस बनाई थी जो अभी हमने थोड़ी देर के लिए वाइप की हुई है, तो ये वो वाली सर्फिस है और दूसरी ये अभी जो मैंने कोड और सर्फिस बनाई। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जाना है, अब हम कट फिल कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी कितनी कितनी हमें एक्सकवेशन करनी पड़ेगी, कितनी हमें रिमूव करनी पड़ेगी, कितनी हमें लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया में जाना है। टेक ऑफ क्राइटेरिया में जाके हमने यहाँ पे अर्थ वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं एडिट कर देता हूँ या मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कुछ, इसको एडिट ही कर देते हैं अर्थ वर्क को। तो ऐड मटेरियल, इसको मैं इसको नाम मटेरियल का नाम हम कर देते हैं, इसको भी अर्थ वर्क ही बोल देते हैं, अर्थ वर्क मटेरियल चलो बोल देते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अर्थ वर्क पे चेंज, और यहाँ से ये सरफेस कंपेयर कर रहा है, ठीक। तो सरफेस में से यहाँ पे मेरे पास है एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस, सॉरी एक्चुअली हमें ना अलग से क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा इसको, अर्थ वर्क वाले को नहीं लेके चल सकते, इसको डिलीट करते हैं, हम नया बनाते हैं, इसमें फिर वो एग्जिस्टिंग वाली शो नहीं होगी। तो इसका मैं कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ अर्थ वर्क। अब देखिएगा अर्थवर्क पे आ गया, ऐड सॉरी इसको ऐड नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, सरफेस में गया मैं। अब देखिए एक ये दूसरी सरफेस, ठीक है। अब बेस क्या होगी, कंपेयर किससे करेंगे, बेस होगी हमारी जो हमारी ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल हमारी ये है, कंपेयर रोड लेवल से करेंगे, इससे करेंगे रोड के बॉर्डर लेवल से, अप्लाई करेंगे, ओके कर दिया। अब हमारा एक क्राइटेरिया बन गया। तो अभी हमने ना एक चीज़ मिस कर दी है, वो थी सैंपल लाइंस। सैंपल लाइंस हम ड्रा करेंगे। अच्छा सैंपल लाइंस मतलब कितने थोड़े कितने डिस्टेंस बाद आपने सैंपल उठाना है, सैंपल मतलब क्रॉस सेक्शन ड्रा करना है, क्रॉस सेक्शन से हम अर्थ वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम ओके कर रहे हैं इसको, और यहाँ से अभी हम बाय द रेंज ऑफ चेनिज कर देते हैं, और ये 20 मीटर, ये होती है विड्थ सैंपल लाइन की, कितनी विड्थ में उठाना है। तो कोशिश करनी है कि विड्थ इसकी इतनी हो कि हमारा रोड स्ट्रक्चर इसके अंदर पूरा आ जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं इसकी सॉरी अब हम डिफाइन कर देते हैं कि कितनी डिस्टेंस के बाद इंक्रीमेंट अलोंग अलोंग ट्रांजिशन के अलोंग इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, इंक्रीमेंट अलोंग कर्व्स, इंक्रीमेंट अलोंग स्ट्रेट्स, ये 20 मीटर्स रखा हुआ है। तो हम इसको अगर करते हैं 50 मीटर्स स्ट्रेट्स अलोंग कर्व्स हम कर देते हैं, इसको भी 50 कर देते हैं। वैसे हम अलोंग कर्व्स कोशिश की जाती है कि कम से कम डिस्टेंस पे ले लिया जाए, इसलिए वहाँ पे ना थोड़ी चेंजेस काफ़ी आ रही होती हैं कर्व पे, तो ना वहाँ पे स्टेशन थोड़ा जल्द सॉरी सैंपल थोड़ा जल्दी ले लिया जाता है। तो ये डिपेंड करो, सैंपल जो होता है ना ये डिपेंड करो था आपके सर्वेयर पे, मैं आपको बताऊँगा आगे अगर टाइम होगा तो वो कैसे, लेकिन अभी वो ना ये सैंपल लाइन लगा रहे हैं। ये भी सैंपल लाइन इसने लगा दी, ठीक हो गए। तो अभी सैंपल लाइन ये ब्लू कलर्स की हैं सैंपल लाइन,
जैसे अगर मैं 20 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कर देता तो आई मीन उसकी विड्थ, तो ये सारा ये कवर हो जाता। तो अभी हम करते हैं क्रॉस सेक्शन प्लॉट। तो क्रॉस सेक्शन प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस। काफ़ी सारे क्रॉस सेक्शंस यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखें कितनी देर हमने लगाई, हमने घंटे डेढ़ भी नहीं लगाया और कितने सारे क्रॉस सेक्शन बन गए। तो जो आम बंदा ऑटो कैड पर बैठा है वो तकरीबन एक क्रॉस सेक्शन के 20 मिनट लगा रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर। अच्छा अब देखें ना, ये थोड़े लग रहा होगा कि यार अजीब से क्रॉस सेक्शन बन गए, पहले तो किसी और तरह बने हुए थे जो मैंने शॉप पर भी दिखाए थे आपको। तो ये एक्चुअली इस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये जो स्केल है हमारा, इस स्केल को हम जब छोटा बड़ा करेंगे तो इससे काफ़ी चीज़ें काफ़ी थोड़ा फर्क पड़ेगा ना। अभी और छोटा होता जा रहा है तो ये जब थोड़ा सा हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं इसका। अच्छा हाँ, अभी ये बड़ा हो गए हैं काफ़ी, तो इनको मैं अपडेट करता हूँ थोड़ा इनका डिस्टेंस। काफ़ी सारे क्रॉस सेक्शन, इतने सारे क्रॉस सेक्शन इतनी जल्दी नहीं बन जाते, काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अभी यहाँ पे सिविल 3D है तो इसने स्पीड स्पीड कोई देर नहीं लगाई बना दी। अच्छा अभी हम कहाँ से बैठक के आए थे, ये कैलकुलेशन पे चले गए थे अचानक से, तो अभी हम वापस जा रहे हैं उधर ही। वैसे कैलकुलेशन हो जाती है लेकिन पहले क्रॉस सेक्शन को बनाना मैं प्रेफर करता हूँ, तो क्रॉस सेक्शन पहले बना लिए मैंने। या कंप्यूट मटेरियल पे जाएंगे, कंप्यूट मटेरियल के बाद ये अलाइनमेंट यही वाली सेट करेंगे जो हमारी थी सैम्पल लाइन कलेक्शन 1। यहाँ पर अर्थ वर्क पर गया, अर्थ वर्क पर यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लेना, इसके सामने सामने वाले सेलेक्ट कर लेने, कॉरिडोर सर्फिस के सामने कॉरिडोर सर्फिस, और इसके सामने हमने ये कर लिया DM वाली फाइल के सामने, लीड फ्रॉम DM ऊपर प्रोजेक्टेड है, तो उसके सामने वही वाली फाइल सेलेक्ट कर ली, ओके किया। देखें जी हमारी कैलकुलेशन हो गई है, अर्थवर की कैलकुलेशन भी हमारी हो गई है। तो अभी मैं आपको एक डाटा सिविल 3D के अंदर ही एक टेबल शो करा के दिखाता हूँ, जस्ट 2-3 मिनट रुके आप। अच्छा जी एनोटेट पर गया, टेबल में गया, वॉल्यूम में गया, टोटल वॉल्यूम में गया, टोटल वॉल्यूम में कट एंड फील अर्थ वर्क कलेक्शन। हाँ अच्छा वॉल्यूम्स के टेबल्स बन गए हैं, फील एरिया आ रहा है शुरू शुरू में, कट एरिया इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, एट द एंड हमें क्या मिल रहा है, कामोलेटिव फील एरिया में मिल रहा है 80,000 और 1,09,000 कुछ मिल रहा है हमें कट एरिया। ठीक है ये सारे टेबल पूरा टेबल किसी को शो कर रहे हैं हर RD में, RD मतलब रिड्यूस डिस्टेंस 4,000 50 पे 4,000 100 4,150 ये सारा शो कर रहा है क्या, कट एरिया फिल कट एरिया फिल एरिया कट एरिया फिल वॉल्यूम कट वॉल्यूम, ये तो मतलब ये तो आसान सा है, ऑटोमेटिकली शो कर दिया। अच्छा ये ना इसने शो किया है यार्ड्स के अंदर, ठीक है तो अगर हम इसको चाहें तो टेबल्स भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा लेकिन हम कर सकते हैं एडिट, या आप यूट्यूब से देखिएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी, लेकिन बस ढूंढने वाली नज़र होनी चाहिए। अच्छा मैं टेबल्स ना इधर क्रॉस सेक्शंस के साथ जो होता है ना ऑफिशियली इस तरह दिखाए जाते हैं क्रॉस सेक्शन, उधर ना सात टेबल लगाए होते हैं, तो अभी हम साथ टेबल लगाने चाहते हैं कि टेबल भी लग जाते हैं साथ। यहाँ पे वॉल्यूम वाला है ये जरा वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम टोटल वॉल्यूम पे जाएंगे, बेसिक ऐड मटेरियल लिस्ट 1 और इसको मैं
अप्लाई कर देता हूँ। और ओके कर देता हूँ। तो अभी ये देखे ना सारी खचमच सी हो गई है, तो इसका क्या हल है? पहले तो मैं इन टेबल्स को ना यहाँ से थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो जाए। ये सारे देखें ये टेबल्स ओवरलैप होने लग गए हैं, तो इनका हल यही है, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, बेशक अपडेट पे जाएँ। एक को सेट करूंगा मैं यहाँ पे सेक्शन व्यू पर, ऑफ कोर्स इधर जाएंगे हम। अपडेट ग्रुप लेआउट, तो अभी अपडेट कर देगा तो साथ साथ चले जाएंगे टेबल्स। ठीक है, ये टेबल्स बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, कट एरिया शो हो रहा है, फिल एरिया शो हो रहा है, ये सारा। अच्छा, अगर हम ना यहाँ पे चाहें, सॉरी इधर ये फोन मैसेज कर रहा है यार, ये आपको ना मैं सारी चीज़ें ना मतलब एंड पे ना जो भी आप आंसर्स करोगे, जो सॉरी क्वेश्चन आंसर्स थोड़ी देर कर लेंगे ना, आपको कहा हुआ कुछ बता दूंगा। ये ज़रा अभी थोड़ी देर के लिए ना आप गपशप ग्रुप में बंद कर दें तो सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, ये अर्थ वर्क की कैलकुलेशन भी मैंने साथ लगा के दिखा दी आपको, ठीक है। अच्छा, मैं वो बता रहा था आपको शुरू में कि एक तरफ पी जी एल आता है, एक तरफ एन एस एल आता है। तो एन एस एल यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने कैसे किया हुआ है। एन एस एल इधर है, पी जी एल इस तरफ है, जिस तरह ये। तो अभी हम भी ऐसा करके दिखाते हैं कि यहाँ पे ना एक तरफ एन एस एल आए, एक तरफ पी जी एल आए। तो अभी हम व्यू ग्रुप की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, फिर इधर नहीं जाना। यहाँ जाना है बैंड्स के अंदर, आपने प्रोफाइल वन को आपने कर देना है डिजाइन रोड प्रोफाइल। अब ये देखिए डिजाइन 136 है, एन एस एल ये है, इधर सारी शो हो रहा है प्रॉपरली। अब आपको कह रहे होंगे कि ये 3 डिजिट में है, ये 2 डिजिट्स में है, तो ये भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। सारी मतलब यहाँ पे ना ये चीज़ें मैंने यहाँ से आगे सीखी है यार, बंद कर दो यार। अच्छा, ये चीज़ें ना मैं बता रहा था कि मैंने यहाँ आगे सीखी है कि कैसे ये सारी चीज़ें, मतलब आई मीन 3 डिजिट तक क्यों मैं सोचा था 3 डिजिट तक जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो फिर
हेलो, आवाज आ रही है अभी किसी को मेरी? जी अभी आ आप आ रही? रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। जी भाई आवाज आ रही है आपकी। अब नहीं आ रही आपकी आवाज। हेलो, भाई आ रही है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है जी अब आ रही है। चलिए, मैं सिर्फ 2 मिनट दे मुझे, मैं जरा इसको रिस्टार्ट करके आया सिस्टम को। मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा इश्यू आ गया है। अच्छा, इन सारे इश्यूज की वजह से ना मैं सोच रहा था कि मैं वहीं पे आके करता, लेकिन अभी इशू ये था कि मैं तो आ रहा था, लेकिन बस फिर यहाँ पे एक तो धरना वगैरह का इशू आ गया। धरना तो नहीं हुआ जो जाहिर है, लेकिन इशू तो था ना एक।
अच्छा यार अभी आ रही है मेरी आवाज? मैं जरा अभी दोबारा वहां पे ऑनलाइन होने जा रहा हूँ। जी भाई आ रही है। अच्छा यार वो पहले वाली जो फाइल थी ना जिसपे अभी हम थोड़ा वर्क कर रहे थे वो थोड़ा इशू कर गई है। इशू है सच के उसमें छोटा सा एक मसला आ गया वो ना अभी, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा रुक गया था तो अभी वो ओपन होने में मसला कर रही है। लेकिन अभी मैं आपको ना एक दूसरी फाइल दिखाता हूँ जो जिससे आपको ना आई मीन के जो मैंने यहाँ पे बनाई थी आर्टवर्क की कैलकुलेशन की, जो कि एक जस्ट अ मिनट ये। अच्छा इस पे भी मैंने ना ये क्रॉस सेक्शंस वगैरह बना के ना इनको दिखाए थे जिसके साथ मैंने आर्टवर्क की वैल्यूज वगैरह भी सारी लगाई, तो डिजिटल टेबल लगाना मैंने आपको सिखाया तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ना यहाँ पे इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम बनाते होते हैं व्यू फ्रेम्स जिस इस तरह की फाइल शो कराते होते हैं, जिस तरह की भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली फाइल थी ना जो ये वाली इस तरह दीजिए पर फाइल ओके ऊपर प्लान। तो हम कुछ इस तरह का करते हैं, तो अभी हम इस तरह का करने के लिए अभी हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में सॉरी क्रिएट व्यू फ्रेम्स में, तो अलाइनमेंट रोड वन प्लान एंड प्रोफाइल। अच्छा प्लान ओनली प्रोफाइल ओनली प्लान एंड प्रोफाइल, ये प्लान तो जो आपको ना मैं कुछ दिखाता हूँ प्लान प्लान ओनली और प्लान एंड प्रोफाइल वाला, ये है प्लान ओनली ये ठीक है। वो जो है जो अभी मैं आपको खोल के दिखा रहा था ये है प्लान एंड प्रोफाइल, तो अभी हम प्लान एंड प्रोफाइल बनाएंगे और इसको मैं कह रहा हूँ रोटेट टू नॉर्थ कर रहा हूँ या अलोंग द अलाइनमेंट कर देते हैं नॉर्थ हम एडजस्ट करते रहेंगे। ये व्यू फ्रेम्स बन गए, एक व्यू फ्रेम ये दूसरा व्यू फ्रेम ये तीसरा चौथा और ये पांचवा। अभी हम क्या करेंगे क्रिएट शीट्स, शीट्स जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑल द लेआउट्स इन द करंट ड्राइंग, ऑल द लेआउट्स इन द न्यू ड्राइंग भी है लेकिन करंट ड्राइंग करेंगे ऑल इन करंट ड्राइंग करने के बाद अच्छा वो कह रहा है कि आपकी इस प्रोसेस के लिए आपकी करंट ड्राइंग सेव होनी चाहिए तो ये ओके कर दी हमने। यहाँ पे प्रोफाइल व्यूज के लिए ओरिजिन मांग रहे हैं वो, यानी कि जो ये जो प्रोफाइल्स ये वाली जो प्रोफाइल व्यूज है ना ये वहाँ पे शो कराएगा ये उसके लिए ये ओरिजिन मांग रहे हैं कहाँ पे गए, तो हमने एक साइड पे कह दिया कि यहाँ पे आप वो शो करा दें तो अभी वो कर रहे हैं। अभी इसने वो प्रोफाइल भी लगा दी ये क्रिएट कर दी। अभी हम क्या करें, अभी हम लेआउट में जा रहे हैं लेआउट वन टू थ्री पे छोड़ के हम अभी हम जा रहे हैं शीट्स में, अच्छा ये तकरीबन जो मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पर
वही चीज बन गई है, अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा हो। अभी आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट इसलिए ऊपर आ रहा है क्योंकि ये पिछले ड्राइंग्स में शो हो जाए तो इसलिए वो ऊपर आ रहा है, लेकिन ये जो मैं आपको बोल रहा था ये ड्राइंग वैसी शो हो गई हैं जैसी मैंने आपको समझाया था कि हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह की ऊपर प्लान नीचे प्रोफाइल, तो ये वो भी शो हो गई। तो अभी हम इस तरह ड्राइंग को सेव कर लेते हैं। वैसे मैं आपको इस पर टिपिकल भी दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था। ये बनाया था मतलब टिपिकल, ये दो टिपिकल बनाए थे। ये भी हमने ना पार्किंग तक की कैलकुलेशन की थी, यानी कि ये कैरिज वे और ये पार्किंग, और ये कैरिज वे ये पार्किंग, फिर ये रोड के एंड पे थोड़ा रोड शॉर्ट हो जाता है, तो ये साइड वॉक बनाया था हमने, साइड वॉक ये वाला। इसको कलर्स वगैरह आप जो चाहें दे सकते हैं, मैंने भी बस ऐसे ही मतलब एक नॉन प्रोफेशनल सा बना दिया, लेकिन यहाँ पे हमने उनको ये सबमिट नहीं कराना होता, हमने उनको ये सबमिट कराना होता है। तो हेयर कलर्स वन डिफरेंट, आई मीन यहाँ पे सारा वाइट था, वहाँ पे वो और का बाकी कलर शो कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इतना मसला नहीं हुआ, तो हमने ये सबमिट कराया। लेकिन जो कि एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने उनकी मर्जी। आवाज़ आ रही है ना जी भाई? आ रही है। अच्छा यार, अब सारा तकरीबन हो गया है, लेकिन सबसे बुरा ये हुआ कि वो फाइल मिस हो गई, लेकिन खैर है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछ सकता है मुझसे। किसी का क्वेश्चन है? Please raise your hand for your queries. If you had any, we will call your name one by one. Please raise your hands. Yes, Mohammad Usman, you can proceed. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum.